हाय, सो आज हम बात करने वाले हैं एक मैजिक ड्रिंक की. दिस इज कॉल्ड वाटर. सो बहुत सारे वीडियोस में ऐसे बोलते हैं कि ड्रिंक वाटर एंड लूज वेट, 5 kg weight, 10 kg weight. बहुत सारे वीडियोस में लोगों ने बोला है कि दे कम्प्लीटली डिनाय दैट वाटर इज ऑफ नो हेल्प व्हाइल यू आर ट्राइंग टू लूज फैट, या फिर वाटर से कोई खासा फ़ायदा नहीं पड़ता जब आप वेट लॉस करना चाहते हैं तब. इस वीडियो में मैं अपने व्यूज बताऊंगा आपको एंड आई विल ऑल्सो शेयर विद यू अ लॉट ऑफ रिसर्चेस, जैसा कि हम हमेशा करते हैं. वी आर बस्टिंग मिथ्स, विल बी बस्टिंग मिथ्स इन दिस वीडियो टू. वेलकम टू द एपिसोड 3 ऑफ मिथ बस्टिंग सीरीज. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन नाउ, डू हिट द बेल आइकन, ताकि मैं जैसे ही कोई भी वीडियो शेयर करूं आप तक वो वीडियो पहुंचे और आप ऐसा ही कुछ नया सीखें, रिसर्च बेस्ड साइंस जानें एंड अपनी फिटनेस पे ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाएं. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सो पहले हम बात करेंगे कि वाटर आपको एक्चुअली में कैसे हेल्प कर सकता है. इन 2003 देर वॉज अ रिसर्च स्टडी पब्लिश्ड जिसमें बताया गया था कि वाटर एक्चुअली increases your energy expenditure, that is called water induced thermogenesis. जब आप ये पानी पीते हो then your body requires some amount of energy to convert this water's temperature into your body's temperature. जैसा कि आपको पता है आपकी body के अंदर एक particular temperature maintain करना बहुत ज़रूरी है, तो आपकी body इस पानी को उस टेम्परेचर में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी एनर्जी खर्च करेगी. दैट इज़ कॉल्ड वाटर इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस. एंड ये देखा गया कि इवन ड्रिंकिंग 500 ml ऑफ वाटर, मोर 500 ml ऑफ वाटर इन अ डे कैन हेल्प यू बर्न 100 kJ पर डे. मतलब 500 ml अगर आप पानी पीते हो तो 100 kJ तक आप एनर्जी बर्न कर पाओगे. और अगर आप नॉर्मल अपने वाटर इनटेक से 2 L पानी ज़्यादा पीते हो तो इन वन डे यू विल बी एबल टू बर्न 400 kJ मोर एनर्जी. दैट मीन्स ज़्यादा एनर्जी बर्न करोगे देन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलोरी डेफिसिट कम्स इन टू अवर माइंड, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड रिसर्च दैट वॉज डन इन 2013. उसमें ये बताया गया कि द पीपल हु आर ड्रिंकिंग वाटर जस्ट बिफोर द वर्कआउट वर कंज्यूमिंग 22% लेस कैलोरीज. जी हाँ, जब आप वाटर जस्ट बिफोर द अब अपने खाना खाने से तुरंत पहले अगर आप वाटर पीते हो, इट विल डिक्रीज योर कैलोरी इनटेक बाय 22%. और जैसे ही आप कैलोरी इनटेक अपना कम करोगे देन अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलोरी डेफिसिट कम्स इनटू द पिक्चर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर स्टडी दैट वॉज डन इन 2016. हियर 50 गर्ल्स वर टेकन ड्यूरिंग दिस रिसर्च एंड दे वर आस्क्ड टू टेक 2 cups ऑफ वाटर हाफ एन आवर बिफोर देयर मील्स. और ये देखा गया कि देर वॉज अ चेंज इन देयर बॉडी कंपोजिशन, देर वॉज अ चेंज इन देयर BMI, देर वॉज अ चेंज इन देयर बॉडी फैट. तीनों में देर वॉज अ चेंज. सो येस, वाटर डज हेल्प इन लेस कैलोरी कंजम्पशन एंड इन टर्न विल हेल्प यू इन लूजिंग फैट. नाउ लेट्स कम टू द अनदर रिसर्च दैट वॉज डन इन 2016. इट इज़ एक्चुअली अ मिनी रिव्यू जिसमें यह दिखाया गया था. दिस रिसर्च वॉज एक्चुअली डन ऑन एनिमल्स. अभी तक ह्यूमन्स पे ऐसी रिसर्च नहीं की गई एंड इट इज़ नॉट बिन प्रूवन, बट इन 2016 विद द हेल्प ऑफ अ एनिमल रिव्यू ये दिखाया गया कि ड्रिंकिंग वाटर डज हेल्प इन इंक्रीजिंग द लाइपोलिसिस. वॉट इज लाइपोलिसिस? आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स जो आपके एडिपोज टिश्यू के अंदर होते हैं उनका 3 fatty acids और 1 glycerol एटम में ब्रेक होना कहलाता है लाइपोलिसिस. हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा डीप हो गया. आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट, बट दिस इज़ अ प्रोसेस बाय विच योर बॉडी कन्वर्ट्स योर फैट इनटू एनर्जी. तो दिस इज़ द प्रोसेस जिसमें वो 3 fatty acids और ग्लिसरॉल में आपके बेसिकली ट्राइग्लिसराइड को कन्वर्ट करती है एंड देन इट यूजेस द स्टोर्ड एनर्जी एंड डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ वाटर जिससे आपकी वेट लॉस में हेल्प हो सकती है. दैट इज़ इट विल इम्प्रूव योर वर्कआउट्स. अब यार, वर्कआउट कैसे इम्प्रूव करेगी? तो आपने कई बार देखा होगा इफ़ यू आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग द वर्कआउट तो आप काफ़ी एग्जॉस्टेड हो जाते हो, आपकी बॉडी काफ़ी एग्जॉस्टेड हो जाती है. वाई इज़ दैट? बिकॉज योर बॉडी इज़ नॉट एबल टू रिलीज द हीट. जब वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी हीट प्रोड्यूस होती है. वो हीट आपकी बॉडी के बाहर जाती है थ्रू द स्वेट के थ्रू वो बाहर जाती है हीट. अगर आप पानी नहीं पीते हो
तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है कि आप हीट से एग्जॉस्ट हो जाओ, आप वर्कआउट नहीं कर पाओ। एंड अगर आपका वर्कआउट अच्छा हो रहा है, यू आर हाइड्रेटेड प्रॉपरली, आपका वर्कआउट अच्छा हो रहा है, तो ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेल इन योर वर्कआउट एंड यू विल बी एबल टू बर्न फैट। सो दिस इज वन थिंग। ऑल्सो वाटर हेल्प्स यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स थ्रू आउट योर बॉडी। बेसिकली जब आप स्वेट करते हो, ब्लड वॉल्यूम तो कम होता ही है, साथ में यू ऑल्सो लूज सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इसलिए आपने देखा होगा जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं वो एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं, और इन एनर्जी ड्रिंक्स देयर आर इलेक्ट्रोलाइट्स। सो वाटर, इफ़ यू आर ड्रिंकिंग वाटर, इट हेल्प्स यू इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स थ्रू आउट योर बॉडी। नाउ लेट्स कम टू अनदर बेनिफिट ऑफ वाटर विच विल हेल्प यू इन वेट लॉस। बेसिकली जब हम स्ट्रेस करते हैं, वैन वी आर स्ट्रेस, वैन वी आर स्लीपिंग लेस, इससे भी हमारा वेट गेन होता है, इससे भी हमारा फैट गेन होता है। सो देर वॉज अ रिसर्च इन 2016, अ मिनी रिव्यू, जिसमें यह दिखाया गया इफ यू आर डिहाइड्रेटेड देन स्ट्रेस हॉर्मोन्स लाइक कॉर्टिजॉल और स्ट्रेस हॉर्मोन्स, बाकी स्ट्रेस हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं आपकी बॉडी में। दैट इज वाई इफ यू आर हाइड्रेटेड ये हॉर्मोन्स आपकी बॉडी से कम रिलीज होंगे एंड यू विल नॉट बी स्ट्रेस्ड, आपको ज्यादा अच्छा फील होगा एंड एट द एंड ऑफ द डे दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन लूजिंग फैट। तो यार बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वाटर के। यार आप तो फालतू ही फैट बर्नर्स के पीछे भागते हो, फालतू ही पता नहीं कितने सप्लीमेंट्स के पीछे भागते हो, मैंने आपको एक फ्री की ऐसी चीज़ बता दी जो आपको फैट लॉस में हेल्प कर सकती है, हेल्प कर सकती है। यहाँ पे अब मैं आपको थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ। अभी तक मैंने आपसे सारी रिसर्चेस के बारे में बात कर ली, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा आपके साथ रखना चाहता हूँ। नथिंग कैन बीट अ बैड डाइट, ठीक है? तो आप अगर ये सोच रहे हो कि सिर्फ आप, कई वीडियोस मैंने देखे उसमें ये बोला गया लूज 5 kgs विद जस्ट ड्रिंकिंग वाटर, दैट इज़ नॉट ट्रू। अगर आप हर चीज़ में ख़राब हो, यू आर हैविंग फूड वॉट एवर यू वॉन्ट एवरी डे, चॉकलेट्स खा रहे हो, स्वीट फूड खा रहे हो, स्ट्रीट फूड खा रहे हो, फ्राइड फूड खा रहे हो, एंड देन आप सोच रहे हो कि यार मैं 4 liter पानी पी लेता हूँ मेरा वेट लॉस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है? व्हेन आई से दैट वाटर विल हेल्प यू इन लूजिंग वाटर, मतलब वो मदद करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी चीज़ें अपने मन की कर लो और पानी पी लो तो वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर न्यूट्रिशन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर एक्सरसाइज। जैसा कि मैंने रिसर्चेस के दौरान भी आपको समझाया, इट विल डिक्रीज योर एपेटाइट, उससे क्या होगा आपका कैलोरी इंटेक कम होगा, कैलोरी इंटेक कम होगा तो क्या होगा, कैलोरिक डेफिसिट का कॉन्सेप्ट आएगा। इट विल इम्प्रूव योर वर्कआउट, जिसका मतलब आप ज़्यादा टाइम तक वर्कआउट कर पाओगे, आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करोगे, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, कैलोरिक डेफिसिट का। सो whenever you see such kind of videos, such kind of people who say ki yaar isse 5 kg lose ho jayega, maybe they have half knowledge in this field. Aur jab bhi aapko ye log bolte hain ki yaar water peene se to kuch nahi hota, chalo, they also have half knowledge into this field. When we look into the researches, yes, there are benefits of drinking water while you are trying to lose fat, but yaar at the end of the day, first law of fitness always works, that is you have to remember the concept of कैलोरिक बैलेंस। दैट मीन्स अगर आपको फैट लूज करना है, कैलोरिक डेफिसिट, मसल गेन करना है, प्रॉपर प्रोटीन इनटेक एंड इन अ कैलोरिक सरप्लस। आई होप इस वीडियो से आपको पानी के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, बिकॉज आई वॉज सीइंग अ लॉट ऑफ वीडियोज पानी से रिलेटेड, और लोग ये सोचते हैं सर पानी पीने से फैट लॉस होता है, इसलिए सुबह उठ के दे ड्रिंक ल्यूकवार्म वाटर, सोने से पहले दे ड्रिंक ल्यूकवार्म वाटर। मैं आपको उसके बारे में सच्चाई बताना चाहता था थ्रू द हेल्प ऑफ रिसर्चेस, वो मैंने किया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। शेयर दिस वीडियो विद अ फ्रेंड जो सुबह उठ के ल्यूकवार्म वाटर पीता है, या अगर आप पीते हो तो डू कमेंट डाउन बिलो कि आप ल्यूकवार्म वाटर पीते थे और क्या आपको उससे बेनिफिट्स हुए या नहीं हुए, कि क्या आपने पूरी लाइफस्टाइल चेंज की तभी आपको बेनिफिट्स हुई। वी विल मीट इन अनदर वीडियो ऑफ दिस मिथ बस्टिंग सीरीज सून। टिल देन बाय, टेक केयर।